गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय सभी राशियों का राशिफल आज का राशिफल एवं कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दो नवंबर सोमवार 2024 श्री सुसंवत 2081 सख संवत 1946 भादो महीना अंधेरा पार अमावस तिथि। सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मघा नक्षत्र रात में 12:19 तक रहेगा। तदुपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पूर्व दिशा परिघात दर्पण। कहने का मतलब ये है पूर्व दिशा की यात्रा करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप दर्पण में अपना चेहरा देखकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता मिलने के योग काफी बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, गुले काल दिन में 1:30 से 3 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में ना करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिएगा। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा, क्यों हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। देखो भाई, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि प्रमिला, प्रियंका। अब आप क्या करेंगे, तो भाई प्रा को आप पास देखें। कहने का मतलब ये है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला छत्रा होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि त्रियुगी, त्रिलोकी। अब आप क्या करेंगे, तो भाई त्रा को आप त्रा से देखें। कहने का अर्थ ये है त्रा को आप तुला राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से बहुत लोग के नाम है, जैसे ज्ञान बहादुर, ज्ञानवती। अब आप क्या करेंगे, तो भाई ज्ञा को आप गा से देखिए। कहने का अर्थ ये है ज्ञा को आप मकर राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रावी होता है और श्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्रीधर, श्रीकांत। अब आप क्या करेंगे, तो भैया श्रा को आप सा से देखिए। कहने का अर्थ ये है श्रा को आप कुंभ राशि में, ठीक है ना। अब हम आपको राशि मतलब संपूर्ण राशियों के राशिफल की जानकारी देने जा रहे हैं। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों आज बुद्धि बल के द्वारा आज आपको लाभ होगा, संतान का सहयोग मिलेगा, माता एवं माता का लाभ आपको मिलेगा, माता से सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वाहन सुख भी मिलने के योग है तथा कुछ धन भी आपको प्राप्त होगा। तो और लव लाइफ वालों के लव पार्टनर से आज संबंध मधुर रहेंगे। विशेष उपाय हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करिए।
टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जात को आज भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, साहस बल मजबूत रहेगा, माता का भी सुख आपको मिलेगा, वहां सुख मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग हैं, परंतु पिता को कष्ट मिलने के चांस है। विशेष उपाय, गाय को सफेद गाय को मखाने की खीर खिला। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम के द्वारा रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी। विशेष उपाय, घर के अंदर लगे हुए पेड़ पौधों में आप पानी डालिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज परिवार का सहयोग मिलेगा, धन संग्रह करने के योग दिखाई दे रहे हैं, मन खुश रहेगा, आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिखाई दे। विशेष उपाय, शिव जी पर सफेद अकौड़े का पुष्प चढ़ाइएगा। लियो सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन खुश रहेगा, बाहरी स्थानों से लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, रोजगार खर्चा बढ़ेगा, पति पत्नी में आपस में कुछ मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, लाल फल का दान करिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज आमदनी और खर्चे लगभग बराबर होंगे, झगड़े झंझट की स्थिति से सावधान रहिए। विशेष उपाय, नहाने के पानी में लटी जीरे का चूर्ण मिलाकर आप स्नान करिए। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ होने के भी योग हैं, पर दिमागी टेंशन कुछ रहेगी। विशेष उपाय, सफेद गाय को मखाने की खीर खिलाइएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा और सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, माता को कष्ट मिलने की योग। विशेष उपाय, हनुमान जी पर तुलसी दल चढ़ाइएगा। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, आयु को बल मिलेगा, परंतु भाई बहन से आपस में मतभेद होने की योग दिखाई दे। विशेष उपाय, लाल गाय को पके केले खिलाएं। कैपिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों आज आयु की उन्नति होगी, पति और या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन हानि के योग दिख रहे हैं, परिवार में दिक्कत आने के योग हैं और बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी के मंदिर में कड़वे तेल का दीपक जलाइए। कुबेरियस कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज रोजी रोजगार में दिक्कत रहेगी, पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। विशेष उपाय, शनि देव के मंदिर में काला तिल डालकर कड़वे तेल का दीपक जलाइएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज झगड़े झंझट से सावधान रहिए, दिमागी टेंशन बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, संतान को कष्ट मिलने के योग हैं, खर्चा बढ़ेगा और लव लाइफ वालों के लव पार्टनर से मतभेद होने की दिखाई दे। विशेष उपाय, अपने माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाइए।
अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके अपनी लग्न की जानकारी प्राप्त करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना आप पर कहीं से भी तंत्र प्रयोग किया गया है, आपके बच्चों पर, आप पर, आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना या मारा प्रयोग करवा रखा, आपके घर में भूत प्रेत पिशाच बुरी शक्ति का निवास है, आपका बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, शुक्र हड्डियों का ढांचा बन गया, आज अगर आप पर तांत्रिक प्रयोग किए गए हैं, इन तांत्रिक प्रयोगों की हमारे यहाँ काट भी की जाती है एवं ज्योतिष में हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, विवाह आदि मांगलिक कार्य भी करवाए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523, कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास, केशवपुरम, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता।